देख लीजिए, सब बाइक आप लोगों को मिलने वाले हैं यहाँ पर। और बुलेट वाला होगा कि नहीं भैया? और भाई क्या स्टार्टिंग क्या है यहाँ पर? स्टार्टिंग हमारा स्क्रैच मिल रहा है या एक्सीडेंट भी हो गया तो आपको बनवाना पड़ेगा, फिर उसका अलग से आपको चार्ज देने पड़ेगा। नहीं, अब जो भी आपको एकदम नया मिलने वाला है, इसके स्क्रैच होगा, डेंट। नेपाल हो गए, नेपाल भी गया हमारा गाड़ी। बाइक या स्कूटी ले रहे हैं तो भैया पेट्रोल अपना खुद भराना होगा ना। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ही कुछ खास है। अब कार रेंट पर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, लिए होंगे, बट आज बाइक रेंट पर आपको मिला। बाइक स्कूटी हर तरह का, नया बाइक, पुराना बाइक, बुलेट, सब मॉडल यहाँ मिलेगा। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, जानेंगे क्या स्टार्टिंग प्राइस, कैसे बुक किया जाता है, क्या चार्ज वगैरह, सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं गाइज, जो भी बाइक स्कूटी सब लगा हुआ सब रेंट पर आपको मिलने वाला है। देख लीजिए लाइन से कितना सा नया, सब जो भी आपको एकदम नया मिलने वाला है। इसके स्क्रैच होगा, डेंट है, वो सब क्या होगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। अभी तो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए यहाँ पर बाइक लगा हुआ है। तो आइए भैया से बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? चंदन कुमार। और क्या ये बाइक रेंट के बारे में थोड़ा बताइएगा? बाइक रेंट ये जैसे कि किन्हीं को भी अगर ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हो या घूमने फिरने के लिए, अगर आपको चाहिए यहाँ से आप बाइक आप अपना रेंट करके ले जा सकते हैं। अच्छा, कार तो आपने गाइस सुना होगा, बाइक भी आपको रेंट मिलने वाला है, बाइक के साथ स्कूटी वगैरह सब मिलेगा। स्कूटी वगैरह भी, और प्लस में क्या हमारे पास अभी न्यू जुड़ा है जो कि हमारा थार। अच्छा, थार भी हमारे साथ अभी जुड़ चुका है, जो कि हाल फिलहाल में हमारे ये 17 सितंबर को हमारा थार आया है, जो कि वो भी आप अपना रेंट कर सकते हो उसको भी। अच्छा, और भाई क्या स्टार्टिंग क्या है यहाँ पर? स्टार्टिंग हमारा 499 से, जो कि हमारा स्कूटी का प्राइस है। अच्छा, 499 में कैसे, मतलब दिन का रहेगा, घंटा का रहेगा, कैसे कैसे हम लोग मिलेगा? 24 आवर्स का है। 24 आवर्स के लिए आपको एक्टिवा मिलेगा 499 में, और हर तरीके का आपको यहाँ पे स्कूटी आपको मिल जाएगा। एंटोर्क हो गया आपका, जेडर हो गया, ग्रेजिया हो गया आपका, बहुत सारे, फिर डीओ हो गया, स्कूटी एवनिश हो गया। अच्छा, और बाइक में भैया हम लोग कौन कौन मॉडल मिलेगा? बाइक में आपको हमारे पास देख भी रहे होंगे कि हमारे पास अभी निंजा अवेलेबल है, एमपी है, फिर R15 V3 है, V4 मिल जाएगा आपको, सभी तरीके का लेटेस्ट मॉडल मिल जाएगा यहाँ पर, लेटेस्ट मॉडल आपको मिलेगा। प्लस में हमारे साथ अभी ड्यूक भी जुड़ा है, न्यू में ड्यूक भी। बाइक का क्या होगा रेंट अगर लेंगे तो? वो हर तरीके का आपका रेंट इसमें मिलेगा, सब पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। निंजा लीजिएगा, 3000 आपका पड़ेगा 24 आवर्स का। 24 आवर्स एमपी अगर आप यूज करते हैं आपको, जिसमें 1200 रुपया आपको देना होगा, जो कि आपका 24 आवर्स के लिए। तो बाइक या स्कूटी ले रहे हैं तो भैया पेट्रोल अपना खुद भराना होगा ना? वो आपको मान के चलिए कि अगर आप 24 घंटे घूमेंगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, 24 घंटे में कितना किलोमीटर आप घूम सकते हैं। अच्छा, यहाँ से तो थोड़ा भरा हुआ शुरू में मिलेगा ना? हाँ, यहाँ से हम लोग आपको हाफ या 1.5 लीटर तक आपको तेल देते हैं, जो कि आप अपना पेट्रोल नजदीकी पेट्रोल पंप पे जाकर के आप अपना सेफ्टी के लिए भी ले सकते हैं। और क्या क्या हम लोग डॉक्यूमेंट देना होगा भैया? डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग लेते हैं। अच्छा, तो ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट लिए यहाँ पर चेक करिएगा पहले ना, ओरिजिनल है फेक तो नहीं देना? ये तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सारा चीज। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फेक लाएंगे तो ऐसा नहीं है, पकड़ा जाएगा पहले भैया, चेक करेंगे अच्छा से सब कुछ आपका। और क्या भैया एज लिमिट वगैरह? एज लिमिट 18 प्लस। 18 प्लस में चाहिए। प्लस में स्पीड वगैरह जो रहता है, हम लोग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का भी एक होता है, जो की स्पीड हो गया आपका, टाइमिंग हो गया, सारा चीज वगैरह, स्क्रेच वगैरह सारा चीज हम लोग यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन सिग्नेचर करवा करके उनको देते हैं। जैसे उनको हम बाइक देंगे, जो जिस कंडीशन में उनको हम बाइक देंगे उसी कंडीशन में। अगर भैया स्क्रैच वगैरह कुछ लग गया या एक्सीडेंट ही हो गया तो फिर क्या चार्ज मेरे उठेगा? होगा जो भी होगा, उनका जो खर्चा होगा वो कस्टमर को देना होगा, आपको उसे कोई मतलब नहीं मिलना। चलिएगा, तो अगर इसके स्क्रैच मिल रहा है या एक्सीडेंट भी हो गया तो आपको बनवाना पड़ेगा, फिर उसका अलग से आपको चार्ज देने पड़ेगा। नहीं बनवा सकते हैं तो भैया को पे करना पड़ेगा आपको, तो उसका कोई जिम्मेदारी फिर भैया नहीं लेते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट पहले आपसे फिल करवाइएगा ना भैया? हाँ, डॉक्यूमेंट सारा चीज यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे रखते हैं जो कि उनका फिजिकल हो गया, आधार कार्ड या उनका ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट हम लोग जमा करते हैं जो कि हम लोग अपना सेफ्टी के लिए हो गया, वो डिपॉजिट। और 18 प्लस के अगर नीचे रहेंगे तो मिलेगा कि नहीं भैया? स्कूटी वगैरह हम लोग देते हैं उनको। हाँ, स्कूटी वगैरह हम लोग देते हैं उनको, मे भी अगर इमरजेंसी रहा तो, ऐसे तो हम लोग उनको जो देते हैं जो कि 18 प्लस होते हैं। और ऐसा तो नहीं है किसी लड़कों की, लड़की भी ले सकती है ना? बहुत सारे गर्ल्स भी हमारे पास अटेंड किए हैं अभी तक। लोकेशन भैया इसका बताएंगे तो क्या बताएंगे? लोकेशन हो गया जगदेव पथ, मौर्या पथ हो गया, ये 15 नंबर पिलर, नियर में श्यामल हॉस्पिटल। अच्छा, पिले नंबर 15 के पास, ठीक है। तो और भैया मेरे को व्हाट्सअप कर दिए, मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, देखिए सबका रेंट वगैरह चार्ज वगैरह लिखा हुआ। गाइस देख लीजिए, सब बाइक आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर। और बुलेट वगैरह होगा कि नहीं भैया? बुलेट वगैरह है, जो कि हमारा 1 मंथ के बुकिंग पे है। बुलेट 1 मंथ? हाँ, क्लासिक मिलेगा 350। अच्छा, और नया जो भी आया है रॉयल एनफील्ड का, वो है कि नहीं अवेलेबल? वही क्लासिक अभी मिला है। अच्छा, नया वाला, उसका क्या चार्ज होगा? उसका आपका 1500 रुपया 24 आवर्स का। तो भैया जो 1500 या 2000 कुछ भी आप बोल रहे हैं वही है मेरे को देने, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ जमा करना पड़ेगा अलग? नहीं, आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट हम लोग नहीं लेते, जो रेंट होता है जो ही हम लोग लेते हैं। अच्छा, वही लीजिएगा। हाँ,
ये तो बहुत अच्छा बात है। ऐसा नहीं इसके बाइक का आपको प्राइस देना पड़ेगा, कोई कोई बोले थे कि नहीं आपको 20-30 हज़ार जमा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बट डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और भैया यहीं पर वेरीफाई करेंगे, कंप्यूटर अपना चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भागने वाला, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब स्कूटी है जो मॉडल यहाँ पर हम लोग सब कुछ नया मिल रहा है। देखिए स्कूटी बाइक सब कुछ लगा यहाँ पर, जितना आप लोग देख रहे हैं मॉडल सब आपको रेंट पर मिल सकता नंबर भी है। आप चेक कर सकते हैं जो कि कितने कितने पुराने हैं, जो कि जो भी हम लोग का जो बाइक होता है जो शोरूम का होता है। ये नहीं कि हम लोग कहीं पे रेंट करके लाए फिर आपको मैं रेंट पे दिया हूँ, ऐसा हम लोग का नहीं है। जो भी हम लोग का रहता है शोरूम से हम लोग निकालते हैं, जो भी आपका अथी होता है। यह नंबर भी एक कस्टमर चाहेंगे तो अपना वो चेक कर सकते हैं कितने दिन का बाइक है और कितना किलोमीटर चला हुआ है। अच्छा दीजिएगा भैया, तो किलोमीटर चेक करके दीजिएगा। अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता, मान के चलिए कस्टमर को झारखंड ही जाना, 2 दिन के बुकिंग किए वो झारखंड भी जा सकते हैं। तो पटना के बाहर भी जा सकते कि अंदर ही है नहीं, अलाउड? नहीं। कस्टमर पटना का होना चाहिए और कस्टमर बाहर भी जा सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो कि आपका मान के चलिए गया हो गए, नेपाल हो गए, नेपाल भी गया हमारा गाड़ी, मधुबनी हो गए, बहुत सारे कस्टमर जो है जो कि बहुत लॉन्ग टू लॉन्ग तो ट्रिप किए चार्ज हुए हैं। भैया मतलब वही 24 ही और का लगेगा ना, ऐसा नहीं बाहर ले तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं, पड़ेगा? जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप बाहर अगर जाते हैं तो आपका जितना दिन लगेगा उतना दिन का आपको रेंट पे करना पड़ेगा ना। जैसे मान के चलिए कि अगर आप झारखंड ले गए, आपका वहाँ पे 4 दिन का टाइमिंग है, तो 4 दिन का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। उसके मतलब अलावा नहीं कि नहीं आप बाहर ले आ रहे तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, ना? जो आपका रेंट है आपका वही रेंट लगेगा। ये तो गाइस बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। रेंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं भैया। मीटर वगैरह एकदम बिल्कुल नया ही होगा, 155 देख लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ, तो ज़्यादा चला भी नहीं, बिल्कुल नया ही है। ड्रीम बाइक नाम है, देख लिया ड्रीम बाइक रेंट पटना डिलीवरी, बट एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सनराइज आई प्लेस मौर्य विहार कॉलोनी, टीले नंबर 15 है, उसी के आगे आप लोग घुस जाए उसी गली में जाना है। ये देख लीजिएगा यहाँ का कार्ड है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा अगर आप लोगों को नहीं ठीक से दिख रहा हो तो। चलिए गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग को अच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा, अगर आपको समझिए तो यहाँ भैया से आप लोग बात कर सकते हैं बुकिंग करने के लिए।